हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में मौज कर रहे होगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। पिछले 15-20 दिनों से कोई काम नहीं, नो क्राइम पेट्रोल की शूटिंग, क्योंकि मुंबई में शूटिंग हो ही नहीं रही है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से आप सीरियल और मूवी की शूटिंग नहीं कर सकते हो सिवाय न्यूज़ के। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो हमारे क्राइम पेट्रोल के जाबांज प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और गोवा में सेटअप लगाया, फिर उसके बाद जम्मू में सेटअप लगाया और वहाँ से वो लोग शूटिंग कर रहे हैं। सोचो कितना मुश्किल होता है कि जब आप ऐसे आउट ऑफ मुंबई जा करके शूट करो, यूनिट को संभालो, उसके बाद फुटेज को तुरंत मुंबई भेजो कि ताकि वो एडिट होकर के चैनल के पास जाए, चैनल उसको अप्रूव करे, देन उसको टेलीकास्ट करे। तो मुंबई में होते तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अगर आप बाहर जाकर कर रहे हो ना तो बहुत होती है। क्योंकि पहला एपिसोड मेरा जो था, लाइफ का पहला एपिसोड जो मैंने क्राइम पेट्रोल का किया था, वो किया था जयपुर में। तब वहाँ पर देखा था जिस तरीके से उन लोगों ने सेटअप लगाया था और फुटेज को डेली भेजना, फ्लाइट से भेजो तुरंत, वो होगा, बहुत खर्चे भी आते हैं। हालांकि ठीक है, वो तो अलग एक विषय है, बट हम बात करेंगे अभी कि अभी किस तरीके से वो लोग शूट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस एक्टर का कोविड टेस्ट करा के, उसके बाद उनका एग्रीमेंट करा करके उसको लेके जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और एक ही बार में 4-5 स्टोरी ले का मतलब वो प्लानिंग ऐसा करके जाते हैं कि 5 स्टोरी हम शूट करेंगे। अभी मुझे भी फ़ोन आया था, लेकिन मुझे किसी कारण से गांव जाना पड़ रहा है तो इसलिए मैंने ना बोला। जम्मू का ऑफ़र आया था। अगर मान लो बाय चांस क्राइम पेट्रोल के ऑफिशियल टाइम पर, जो 10:30 या 11 बजे का जो भी टाइम होता है, क्योंकि वो बदलता रहता है, अगर उस दौरान आप टीवी देख रहे हो और आपको पुराना एपिसोड टेलीकास्ट होता दिखाई दे रहा हो, तो आप समझ जाइए कि चैनल के पास बैंक ख़त्म हो चुका है, नया एपिसोड नहीं मिला है। हालांकि चैनल के पास तो वैसे ही 20-25 एपिसोड का बैंक हमेशा रहता ही है, बट अभी क्या है कि सारा ख़त्म हो गया और अभी चैनल को दिखाना भी ज़रूरी है। और ये जो बैंक इकट्ठा करने का जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो जब से क्राइम पेट्रोल रेगुलर आने लगा ना, तब से, क्योंकि तब हमें ज़्यादा एपिसोड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि चैनल को ज़्यादा एपिसोड की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसको बनाने की। क्योंकि पहले आप अगर देखते हो कि जो सैटरडे संडे क्राइम पेट्रोल आता था 10 तक, वो सब जो एपिसोड आता था उसको देख करके लगता था कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, इतना मज़ा आता था। सीरियसली बता रहा हूँ, 5 साल पहले जब मैं खुद क्राइम पेट्रोल देखता था ना, मुझे इतना अच्छा लगता था। वो प्रोडक्शन हाउस एक है ऑप्टिमिस्टिक करके, बहुत ही बढ़िया एपिसोड बनाती है, और वहाँ पे सुब्बू सर हैं जो राइटर डायरेक्टर वही हैं, हालांकि नाम लेना पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन सुब्बू सर का काम बहुत ही बढ़िया, एक नंबर काम। और वो अभी उस तरह का काम आपको देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि चैनल वालों ने कहा कि भाई थोड़ा सा बजट डाउन कीजिए, आपको ज़्यादा ओवर बजट आपका ज़्यादा है। और सुब्बू सर क्या है कि वो ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर उनको ये लोकेशन चाहिए और यहाँ पे मेरी स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, तो भाई उनको लोकेशन दो ना, 4 पैसा महंगा है तो क्या हुआ। अगर उनकी स्टोरी में स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, तो ये नहीं कि बजट के लिए आप स्विमिंग पूल वाली सीन ही कैंसिल कर दो। ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए आपको वो उस तरह की स्टोरी एक फिल्म की तरह लगती थी। बस फिर क्या हुआ, सर को ज़्यादा बजट मिला नहीं, उनके मन मुताबिक उनके खर्चे निकलते नहीं थे, तो उन्होंने उस तरह का एपिसोड बनाना बंद कर दिया। लेकिन उनका अगर नया काम देखना है ना, तो वो सोनी लिव पे उनका एक वेब सीरीज आया है, क्या तो नाम है उसका यार, प्रोजेक्ट 9191। बहुत ही बढ़िया, अगर आप लोग पहले क्राइम पेट्रोल पसंद करते आ रहे होगे, पहले वाला एपिसोड, तो आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर पसंद करोगे। कृष्णा मुखर्जी का काम बहुत बढ़िया है इसमें। चलो अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपके 2-3 सवालों का जवाब भी दे दूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे भी काम चाहिए, क्राइम पेट्रोल में काम करना है, इवन अपना प्रोफाइल मुझे मेल कर देते हैं। भाई मैं आपको कहाँ से काम दिलाऊँ यार, ना ही मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ना ही मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मेरा कोई प्रोडक्शन हाउस है। मैं इतना कर सकता हूँ, आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको प्रोडक्शन हाउसेस का नंबर दे सकता हूँ, आप जाइए वहाँ पर ऑडिशन दीजिए, लोगों से मिलिए, कहीं ना कहीं तो काम बनेगा। और जो लोग अपनी एक्टिंग को पॉलिश करना चाह रहे हैं, क्राइम पेट्रोल जैसी एक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके एक्टर के द्वारा ही एक चलाया जा रहा है इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है actorwala.com, जिसमें आपको सहीम भाई हैं, गीतांजलि जी हैं, ये लोग सिखाते हैं। सोचो वो लोग रियल एक्टिंग करने वाले, वो सिखा रहे हैं आपको, तो उससे क्या होगा कि आपकी खुद की एक्टिंग भी पॉलिश होगी और एक माहौल मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का, और साथ ही साथ उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको चांस भी दे दे वो, अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, अच्छा काम कर रहे हो
तो वो आपको काम भी दे देंगे, हमें तो काम दे नहीं सकते हैं वो, क्योंकि हमारे जैसे एक्टर को वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए सस्ते में थोड़ा एक्टर, तो इसीलिए वो अपने स्टूडेंट को जल्दी काम देंगे। तो अच्छा चांस है एक ये भी। अब उनकी फ़ीस वगैरह क्या है वो मुझे नहीं पता, आप एक बार सहीम भाई से बात कर लो, देखो क्या होता है। बट ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करो तो ही आप एक्टिंग सीख पाओगे, बस ये है कि थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि आपको कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। और खैर एक्टिंग तो आप घर में भी आप सीख सकते हो, एक्टिंग के लिए क्या चाहिए, डेली की रीडिंग चाहिए, बोल बोल के अखबार को पढ़ना चाहिए, और फिल्में देखो बारीकी से देखो, नई नई किताबें पढ़ो, कहानियों को पढ़ो, नाटक पढ़ो, ताकि आपको वो कैरेक्टर समझ में आए, कैरेक्टर आप फिर उसको आप अपने जहन में बिठाओ, प्ले कर पाओगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिंग के लिए, तो वो सब कुछ आप घर में भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं आजकल कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ। और जब आजकल शूटिंग नहीं चल रही है तो एक मेरा बहुत मेजर काम है मेरा बैग धोना, क्योंकि जितनी बार मैं शूटिंग में जाता हूँ या फिर डबिंग में जाता हूँ उसके ऊपर इतना सैनिटाइज़र स्प्रे करके करते करते वायरस तो पूरा मार देते हैं बैग का, लेकिन जो उसके अंदर का गंदा है वो थोड़ी साफ़ होगा। तो आज इस लॉकडाउन में भैया मैं वो साफ़ करने जा रहा हूँ। तो बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। Thank you.